निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लोगों को देने के उद्देश्य से, साथ ही हृदय रोग संबंधी जानकारियां लोगों को उपलब्ध कराने और जागरूक करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर स्पंदन हार्ट केयर सेंटर, एससी हार्ट फाउंडेशन व भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट व जामा मस्जिद के संयुक्त तत्वावधान में लगाया गया। एक दिवसीय शिविर सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में लगाया गया। इस शिविर में हृदय रोगों से बचाव व उनके संबंध में उचित जानकारियां यहां दी गई। वहीं नेत्र परीक्षण के साथ बीपी, शुगर टेस्ट व ईसीजी यहां पर किया गया। साथ ही रोगों के प्रारंभिक लक्षण को लेकर जानकारियां देने सेमिनार का भी आयोजन किया गया। शिविर में उपचार कर उचित परामर्श हृदय रोग संबंधित दे रहे चिकित्सकों ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेखर ताम्रकार है। मैं स्पंदन हार्ट केयर सेंटर में डॉक्टर की तरह काम करता हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन ईईसीपी के ऊपर है। हम स्पंदन हार्ट केयर के माध्यम से हर समाज तक पहुँचते हैं, जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि आपकी हार्ट क्या होती है, हार्ट की बीमारी क्या होती है, हार्ट के लक्षण क्या होते हैं, हम हार्ट के बचाव के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको आपको पालन करना चाहिए और अपनी हार्ट की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। इसी के लिए हम समाज के पास जाते हैं, समाज से बोलते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर वो चाहते हैं तो शिविर करें, सेमिनार करें, जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद हार्ट अटैक का कारण क्या है ये बताते हैं, और अगर उसको हार्ट अटैक आ गया है तो बिना सर्जरी के कैसा ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं स्पंदन हार्ट केयर में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम मिली हुई है उनको नेचुरल वे पे ट्रीटमेंट करने का काम करता हूँ। तो सर, कितना अवेयरनेस दिख रही है यहाँ लोगों में शिविर में? अवेयरनेस बोला जाए तो अभी बहुत कम है, लोगों में जानते नहीं है कि होता क्या है। अब अगर देखोगे भारत में, तो भारत में ऐसे हैं कि प्रत्येक तीसरा व्यक्ति हार्ट के डिसीज से गुजर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये डिसीज मेरे को हुआ क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो इसी के बारे में हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि हार्ट के डिसीज से हमारा इंडिया मुक्त हो। ये जो शिविर लगाया गया है ये इसलिए लगाया गया ताकि हम लोग जो भी सोसाइटी के अंदर बीमारियां, जैसे हार्ट की बीमारी या लाइफस्टाइल की बीमारी, जैसे बीपी, शुगर, ये काफ़ी तादाद में बढ़ चुकी है। आज की डेट में करीबन जो है 70% के करीब लोगों में ये बीमारी है, और इससे होने वाली जो मौतें और जो सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो बीमारियां हैं एक हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, 80-90% तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कैसे, वो ऐसे होगा कि हम लोग आम जनता को ये जागरूक कराएं कि ये सब बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, इससे बचा जा सकता है। बहुत हद तक जीवन शैली में बदलाव लाके और खान पान में बदलाव लाके ये सब कर्ज किया जा सकता है, हद तक बचा जा सकता है। तो हमें आम जनता के पास पहुँचना है तो कैंप कंडक्ट करने पड़ेंगे, और कैंप्स में यदि हमारे पास ऐसा कुछ कोई मरीज आता है, ऐसा कोई आदमी आता है जिसको लक्षण छोटे मोटे भी हों और हम टेस्ट के जरिए पकड़ पाएँ, तो बहुत अर्ली स्टेज में हम बीमारी को जो है ट्रीट करके कोई भी आगे होने वाली मौतें या सफरिंग जो है उससे हम बचा सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हम लोगों तक पहुँच के उनकी मदद कर पाएँ और उनकी जो सफरिंग है उनको कम कर पाएँ। जितने ज़्यादा लोग जो है इस कैंप में आए उतना अच्छा, और ऐसे हम लोग कंडक्ट करते रहेंगे। योर इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर सुप्रीत चोपड़ा हूँ। मैं कार्डिक सर्जन हूँ और एक NGO चलाती हूँ जिसका नाम है सुप्रीत चोपड़ा हार्ट फाउंडेशन, और इसके ज़रिए हम लोग आम जनता तक पहुँचते हैं, कैंप्स तो कंडक्ट करते हैं, एजुकेशनल सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, साथ में हम लोग बहुत लो कॉस्ट में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कार्डिक सर्जरीज भी करते हैं। तो हम ये उन लोगों के लिए है जो लोग जिन अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको आयुष्मान की सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं, कई बार एंटाइटलमेंट का भी इशू होता है, तो उन तक हम लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वही मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के सदर जमील अहमद ने शिविर का उद्देश्य बताया। जे हम लोग यानी भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट अच्छे जामा वाले, हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपना धार्मिक जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं लोगों के लिए, नमाज और बाकी मजहबी प्रोग्रामों की सुविधा के लिए तो हम पूरा वक्त देते हैं। हमारा दावित्व तो जो है सामाजिक भी है, और सामाजिक के तौर पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी हेल्थ। होता क्या है कि हम जब बीमार होते हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं, और क्या ऐसा नहीं हो सकता ये जागरूकता पैदा हो और हम बीमारी के लक्षण को पहचाने, और ये पहले ही कुछ ऐसे एहतियात बरतें जिससे बीमारी हमसे थोड़ी दूर रहे, हमें अस्पताल ना जाना पड़े।
इसी सोच में हमने जो है स्पंदन हार्ट केयर वालों से और एससी हार्ट फाउंडेशन वालों से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हंसी खुशी तैयार हो गए और आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। इसमें हमारे सभी मुस्लिम भाई और बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं, जो निःशुल्क जो ECG की सुविधा है, हमारी डॉक्टर फरहाना दंत चिकित्सक भी हैं, हार्ट के भी सब स्पेशलिस्ट चोपड़ा जी हैं, सुप्रीत चोपड़ा जी, और आई स्पेशलिस्ट भी हैं, तो ये सब निःशुल्क इसका लाभ उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी ऐसी जो है सामाजिक कार्यों में अपना कुछ न कुछ योगदान कर रहे हैं। वही स्पंदन हार्ट केयर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित आहूजा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों में लगातार जागरूकता हृदय संबंधी रोगों को लेकर आ रही है। साथ ही उन्होंने मस्जिद ट्रस्ट कमेटी का आभार भी जताया। जी, सबसे पहले स्पंदन हार्ट केयर सेंटर, सुप्रीत चोपड़ा फाउंडेशन और जामा मस्जिद की तरफ से आज ये सेक्टर 6 में निःशुल्क हार्ट चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा और फिजियोथेरेपी का शिविर लगाया गया है। उद्देश्य केवल यह है कि लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि वो बीमार ही ना हो, समय से पहले अगर वो प्रिकॉशन ले ले और अगर बीमारियों से बच सके तो ये सबसे बड़ा समाज के लिए काम हम स्पंदन की तरफ से करना चाहते हैं। स्पंदन हार्ट केयर सेंटर पदनापुर दुर्ग में स्थित है और हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हार्ट के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जहाँ पर ब्लॉकेज जो सबसे बड़ी समस्या है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो भी बिना ऑपरेशंस के। सर, ये शिविर लोगों में जागरूकता ला रहा है, कितनी अवेयरनेस लोगों में है अपने स्वास्थ्य के प्रति? देखिए, अवेयरनेस ऐसा है कि लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है और जब जब भी ऐसे शिविर होते हैं, अगर कोई समाज के लोग ऐसा हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो आज एक सबसे बड़ी मिसाल जामा मस्जिद की तरफ से दी गई। जामा मस्जिद के सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया और आज यहाँ जितनी भी आम जनता आई थी वो सब अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अवेयर हुए और मुझे ऐसा लगता है कि आगे उनको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। बहरहाल सुबह से लगे शिविर का लाभ बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।